अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूज़ चाहते हैं और किसी भी गवर्नमेंट जॉब या ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस रेड बटन को दबा के, और साथ ही इसके बगल में आप देख रहे होंगे बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको जरूर आप क्लिक किया करें। दोस्तों क्या होगा, आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी हमारे चैनल पर आपके पास मैसेज के द्वारा आ जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको एकदम फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं कटता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, टेक वीडियो ग्रो यूट्यूब चैनल में विकास आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की कि सर मुझे हिंदी में पेपर चाहिए। तो बहुत लोगों ने कहा था कि सर मुझे इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी के पेपर बताइए। तो मेरे पास फाइनली हिंदी के पेपर 2017 के जनवरी के पेपर मेरे पास आ चुके हैं। तो मैं आज आपको वही दिखाने जा रहा हूँ वो पेपर किस प्रकार से हैं और उन पेपर को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको वेबसाइट पे मेरे जाके techvideogrow.mobi पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी आपको रिव्यू दिखा देते हैं किस प्रकार से पेपर मेरे पास आए हुए हैं पीडीएफ में, और सारे सेट वाइज आपको दिखा देते हैं। M1 का देख लेते हैं। तो ये IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का पेपर है M1R4। तो पेपर आप लोग देख लें, सेम इसी तरह का पेपर आपको जब पेपर देने जाएंगे जो लोग नए स्टूडेंट हैं सेम इसी तरह का पेपर आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको MR शीट भरनी होगी, यहाँ पे आंसर शीट नंबर, यहाँ पे आपका रोल नंबर, यहाँ कैंडिडेट नेम और यहाँ पे सिग्नेचर। पेपर आपको वापस मिल जाएगा, फिर भी ये फॉर्मेलिटी आपको भरनी पड़ेगी। बाकी पेपर के निर्देश हैं आप लोग देख लें, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। इस मॉडल पेपर में दो भाग है, भाग एक में प्रश्न, दो प्रश्न पत्र है आपके, एक 40 नंबर का है, दूसरा 60 नंबर का है। उसके बाद आपको देख लें कि कितने घंटे का समय है, वो सब दिया हुआ है इसमें। और हिंदी हिंदी माध्यम में भी और हिंदी, ये देख लें यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। उसके बाद देख लें पेपर किस प्रकार है। तो पेपर देख लें हिंदी में, फॉन्ट की वजह से ये ऐसा आ रहा है वरना आपको क्लियर दिखाई देता। ये डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली में 3 मुख्य भाग हैं, तो ये आपको बताना है। तो इस तरह से पेपर मिलता है, ऊपर आपका हिंदी में रहता है, नीचे आपका इंग्लिश में रहता है। तो जो लोग हिंदी वाले स्टूडेंट है वो इस तरह का इसको देख के हल कर सकते हैं, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इसको देख के कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार हिंदी के पेपर आपके लिए लाए हैं हम। निम्न में कौन सा परिवर्तनशील है, तो देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल, बबल बबल मेमोरी, रैम रोम और मैग्नेटिक डिस्क। निम्न में से कौन सी मान्य संख्या 4 से विभाजितीय है, तो ये कुछ आपको बताने हैं क्वेश्चन। सिंपल से क्वेश्चन हैं, सबको सब अभी आपको सॉल्व भी करवा दिए जाएंगे। अभी से आप देख लें सो किस प्रकार है ये क्वेश्चन। 1.9, 1.10। उसके बाद इधर देख लें आप हिंदी में, ये आपके ऑब्जेक्टिव, ये आपके ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं हिंदी में। रिलेशन डेटाबेस की रो टपल है। हिंदी में आपको बस थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत होगी क्योंकि बहुत शुद्ध हिंदी रहती है, इसलिए अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है कंप्यूटर के माध्यम के लिए। वैसे आप हिंदी में भी कर सकते हैं, देख लें आप लोग हिंदी में, जो लोग हिंदी में समझते हैं। तो उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक रहता है, ये आपका मैचिंग है, इस प्रकार से मैचिंग आपको मिलेगी दोनों माध्यम हिंदी में। उसी प्रकार आपका ये फिल इन द ब्लैंक मिल जाएगा आपको हिंदी में, सारे ऑप्शन हिंदी में रहेंगे, पेपर आपका पूरा हिंदी में रहेगा। उसके बाद जो आपका 60 नंबर का मेजर पोर्शन है इसमें आपको लिखना है, तो उसमें आपका हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर ये 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें कितना लिखना होता है, तो मैं आपको कम से कम आपको एक पेज तो पूरा पूरा भरना ही होता है। और कुछ अगर क्वेश्चन में कुछ एक या दो बातें पूछी गई हैं तो आपको नेक्स्ट पेज भी आपको कम से कम 4 से 5 लाइन आपको भरनी रहती है। तो एक पेज आपको पूरा पूरा भरना है 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो देख ले हिंदी में इस तरह से पेपर आपका M1 का रहता है। लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं एक्सेल शीट से, मैंने बताया था आपको कि एक्सेल और पावर पॉइंट से क्वेश्चन भी आते हैं। क्रिएट एन एक्सेल शीट, फिल इन द नंबर A1
2a10, a10 से a1 से फॉर्मूला आपको लगा के आपको एवरेज और सम कराना है, और टोटल आपका आना चाहिए a12 वाली कॉलम में, आपका टोटल पूरा आएगा आपका। तो ये कुछ इस तरह से आपको करना होता है, ये आपको बता दिया जाएगा कैसे फिल करना है। एक्सेल शीट पे आपको एक वीडियो बना देंगे इस पर, अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो। चलिए देख लेते हैं M2 का पेपर। तो ये M2 का पेपर हमारे पास आया हुआ है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग का, 100 नंबर का, सेम वैसे पेपर आपको मिलेगा। इसमें भी एक तरह क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, लार्जेस्ट हेडिंग के लिए उपयुक्त HTML टैग है। ये पेपर आया हुआ था जनवरी में, तो इसका आपका S6 आंसर होगा। WW किस मॉडल पर आधारित है ये बताना है आपको, क्लाइंट बेस या लोकल सर्वर। तो आप लोग देखें, (1.4) इधर है, इसमें आपको बताना है ये कौन सा सही है इसमें से, ईमेल एड्रेस कौन सा इसमें से सही रहेगा आपका। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की पहचान है पीपीपी, किस प्रकार का प्रोटोकॉल कहा जाता है आपका। तो ये सब आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद देख लेते हैं ट्रू फॉल्स कहाँ दिए गए हैं। तो ये आपके ट्रू फॉल्स हैं 2.1 से लेके 2.7 तक, और इधर आपके 2.10 तक। तो इस प्रकार से आपको ट्रू फॉल्स मिलेंगे हिंदी में, और उसी प्रकार से आपके M2 के आपको मैचिंग मिल जाएंगे हिंदी में। तो जो लोग नोट कर रहे हैं नोट भी कर सकते हैं यहाँ से, कोई ऐसी बात नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लें, नहीं तो आपको PDF वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं पेपर को, या अपने PDF मोबाइल या लैपटॉप में सेव करके रख लें, जब आंसर आपको बताए जाएंगे तब आप टिक कर लें उसमें। तो आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। उसके बाद देख लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके लिए हिंदी में। उसके बाद ये देखिए टेबल बनाने को आई है, इसकी जरूरत आप लोग तैयारी कर लें। एक दो टेबल आपको बनवा दिए जाएंगे, और कुछ जो HTML के कोड होते हैं वो बता दिए जाएंगे, जैसे बैकग्राउंड MIDI म्यूजिक ये सबके और URL का। तो ये सब काफ़ी लोगों ने पूछा भी है, तो उसको बना दी जाएगी वीडियो एक। देख लीजिए जो सारे क्वेश्चन आपको बताए गए, लैन मैन स्टार रिंग पीयर टू पीयर क्लाइंट प्राइवेट की पब्लिक की, सब आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ने बताए गए, माइम URL। तो ये सब आप लोग ब्लू उसको जरूर तैयार कर लें, इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। मल्टीटास्किंग क्या है, IP एड्रेस क्या है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, ISDN DNS, सब आपको क्वेश्चन बताए गए हैं। चलिए अब देख लेते हैं M3 का क्वेश्चन हिंदी में। तो ये प्रोग्रामिंग सॉल्विंग का है हिंदी में क्वेश्चन, सेम वैसे ही इसमें भी आपको हिंदी में क्वेश्चन मिलेंगे। सी लैंग्वेज आपको लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा होगा मुझे लग रहा है, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सर इस पर थोड़ा डिटेल में बताएं, इसलिए मैंने चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो प्लीज़ आप उसको जब समझेंगे, कई बार आप देखें उसको तभी आपको समझ में आएगी, उसके बाद जब एग्जाम्पल बताया जाए उनको नोट करें। तो ये कुछ इस प्रकार के ट्रू फॉल्स दिए गए इसमें, नीचे इंग्लिश में भी मिल जाएगा, जो लोग इंग्लिश में समझ सकते हैं वो इंग्लिश में कर लें। देखिए यहाँ सिंबल दिए हुए हैं, तो ये हिंदी में नहीं दिए गए हैं क्योंकि ये इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में ही मिलेगा आपको, ये आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। बाकी आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और ये आपके 60 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। हिंदी में काफ़ी टफ भी लगता है, एक मूल फाइल को दूसरी मूल फाइल के साथ जोड़ने के लिए क्या कमांड मापदंडों का प्रयोग करके करते हुए एक
एक प्रोग्राम लिखें, तो ऐसा अगर आपको दे देगा तो आप सब समझ में नहीं आएगा कि क्या इसने पूछा गया और क्या करना है। यही अगर इंग्लिश में रहेगा तो आप थोड़ा सा लॉजिक समझ सकते हैं कि ये वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि हिंदी शुद्ध हिंदी रहती है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको सामने देख लें। तो ये था राइट द प्रोग्राम यूजिंग कमांड लाइन पैरामीटर टू अपेंड वन टेक्स्ट फाइल टू अनदर टेक्स्ट फाइल। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में दी, हिंदी में दी गई है। एक मूल फाइल को कैसे दूसरे मूल फाइल मापदंड प्रोग्राम आपको लिख के दिखाना है। तो ये था आपका M3 का को पेपर। अब बात कर लेते हैं .NET का पेपर, मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, तो मल्टीमीडिया का पेपर है ये। सेम इसमें भी है, सबसे सिंपल पेपर भी है ये, मल्टीमीडिया और ICT ऑप्शनल में। निम्न में से कौन सा है वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग बता ही सकते हैं। इसका डाउनलोड का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर लेंगे डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके, या वेबसाइट से आप पढ़ भी सकते हैं आराम से, वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे PDF में। वीडियो शायद आपको समझ में ना आए क्लियर, ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर दिया है, समझा भी दिया है इसमें। तो ये सब हिंदी में टोटल आपको मिल जाएगा इस तरह से, जब आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। ये आपके 60 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं ICT की, ICT पेपर की। तो ये ICT का है, डॉट नेट का मैंने ले रहा हूँ। अगर किसी कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ बता दें मुझे कमेंट करके, तो मैं हिंदी का पेपर उसको वो भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि तो मेरे पास सारे सेट आ चुके हैं इस समय। तो ये आपका ICT का पेपर है हिंदी का। अभी आपको प्रीवियस ईयर के सारे सेट आपको हिंदी में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे कुछ दिनों में। और जो लोग ओ लेवल की तैयारी कर चुके हैं और ए लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो मैंने अपलोड कर दी है सिलेबस की वाली वीडियो, आप देखें पूरा कोर्स समझें पहले, उसके बाद ही अप्लाई करने की सोचें। तो ये पूरा पेपर आया हिंदी में ICT का। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं। और ये आपके 60 नंबर वाले क्वेश्चन है। मैं आपको सारे क्वेश्चन ही करने होते हैं, चार पांच रहते हैं, पांच सेट रहते हैं, इसमें आपको चार करने होते हैं। डेली सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पुराने वाले जो मैंने बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टोटल आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये थे हिंदी क्वेश्चन आपके लिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब कोई डाउट हो आपके तो कमेंट कर सकते हैं, और अभी PDF में आप इसको डाउनलोड कर लें ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उसके बाद आप लोग उसको हल करने की कोशिश करें जो हिंदी के स्टूडेंट हैं।